आज आपको उस सोच और सियासत के खिलाफ दस्तक देनी है जो दलितों को सिर्फ वोट के वक्त पूजनीय समझती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी दलितों के साथ भेदभाव करती है, उन्हें अपने समान नागरिक नहीं मानती है। देश जब आजादी के अमृतकाल को मनाने की तैयारी में जुटा हुआ था, तब राजस्थान में 9 साल के दलित छात्र की मृत्यु हुई। दावा है कि जिसे ऊंची जाति के शिक्षक ने अपने पानी का मटका छूने भर ही से पीट दिया था, राजस्थान में उसी दलित बच्चे की मृत्यु के बाद राजनीति ने ऐसा खेल खेला जिसने साबित कर दिया कि दलितों के लिए प्रेम नेताओं का दिखावा है। 7 सबूत एक एक करके देखिएगा, दस्तक दीजिएगा। ये शव 9 साल के इंद्र मेघवाल का है, भारत का भविष्य बनने वाले बच्चे का शव, जिसे दावा है दलित होने की सजा मौत मिली। कहां मिली? उस स्कूल में जहां सीखना था जाति कुछ नहीं होती। 20 जुलाई को दावा है स्कूल के उच्च जाति के शिक्षक के पानी के मटके को 9 साल के इंद्र मेघवाल ने छू लिया। आरोप है सवर्ण शिक्षक ने ऐसी पिटाई की, दलित छात्र की हालत गंभीर हो गई। 13 अगस्त को इलाज कराते कराते 9 साल के इंद्र मेघवाल की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ? दलित के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई। सबूत नंबर 1, जो मुख्यमंत्री ईडी से राहुल और सोनिया की पूछताछ के विरोध में दिल्ली तक दौड़ कर जाते हैं, दलित छात्र की मृत्यु के 4 दिन बाद भी परिवार को ढांढस बधाने नहीं पहुंच पाते हैं। 3 तस्वीरें हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचते रहे जब राहुल और सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। यही मुख्यमंत्री जयपुर से 400 किलोमीटर दूर जालोर में दलित पीड़ित परिवार के पास सरकार की मुखिया के तौर पर सांत्वना देने 4 दिन में नहीं पहुंच पाए हैं। दलित के लिए सिर्फ राजनीति होती है। सबूत नंबर 2, मुख्यमंत्री से सवाल हुआ कि आजादी के 75 साल बाद भी छुआछूत है, टीचर ने बच्चे को मार दिया। जवाब में अशोक गहलोत कहते हैं ऐसी घटना हर राज्य में होती है। ये भी मुद्दा बनाए तो उनका, मैं समझता हूँ विपक्ष में तो हमें कोई ऐतराज भी नहीं है, और हम बगैर मुद्दा बनाए हुए भी हमारी सरकार जो है हर घटना पर, घटना तो पूरे मुल्क में राज्य में होती रहती है, अगर आप देखते टीवी के अंदर या मीडिया में तो किस राज्य में घटना नहीं होती है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी दलित आदिवासी गरीब कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है, और हम वेट करते रहें कि अगला कब हादसा हो फिर हम कुछ एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो लोगों के जहन में है कि दलितों के साथ अत्याचार कर आप बच नहीं सकते। फिर क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दलितों के साथ ऐसी घटना तो हर राज्य में होती है? हर राज्य में होती है तो क्या दलित के बच्चे को मारने की किसी को भी छूट कहीं भी दे दी जाएगी? बच्चे के परिजन जब अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे तो उनके साथ और सरकार की नीतियों के खिलाफ जुटे लोगों पर लाठीचार्ज की भी छूट क्या राजस्थान में दे दी गई है? दलित के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। सबूत नंबर 3, जालोर में दलित बच्चे की मृत्यु के बाद पिता और चाचा समेत गुस्साए लोगों पर पुलिस लाठी चलाती है। यहाँ पे पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर दिया है, लगातार दोनों पक्षों में जो है वो लाठी चार्ज हो रहा है, हिंसक हो रहा है मामला यहाँ पर, और लगातार जो है वो प्रशासन और स्थानीय जो है उनके बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है, ये उग्र होता जा रहा है मामला लगातार। पुलिस ने लाठी चलाई तो बेटे का शव लेकर अंतिम संस्कार करने पहुंचे इंद्र मेघवाल के पिता और चाचा पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में जालोर में जिस दलित परिवार ने दावा है कि सवर्ण जाति के शिक्षक के मटके को छूने पर पिटाई की वजह से अपने 9 साल के बच्चे को खो दिया, उसके अंतिम संस्कार में पिता और चाचा तक को पुलिस ने लाठियों से पीट दिया, क्या बच्चे की चिता के साथ दलित के हितों की चिंता के सरकारी दावों का भी अंतिम संस्कार
राजस्थान के जालौर में कर दिया गया। मारा, कहाँ का चोट लगी आपको? ये बड़ा देख तो आ दिखने वाली है, जो खून है जो, ठीक है, ये का, ये का। किस कितने लोग, कितनी देर तक आपकी मारा पीटी करी पुलिस ने आपके साथ? कितनी देर तक पुलिस ने आपके साथ मारपीट करी? आप तो समझाने गए थे मामला। आधे पौने घंटे